काजूदास जी आपसे यही, हनुमानगढ़ी से ऊंचा कोई मंदिर नहीं है अयोध्या में, और इसके लिए मान्यता यह है कि वहीं से हनुमान जी पूरी अयोध्या पर नजर रखते हैं, लेकिन आपकी इच्छा थी श्री राम का बनने वाला मंदिर उससे भी ऊंचा हो, और आज 500 साल बाद संत समाज द्वारा देखा गया वो सपना मूर्त रूप ले चुका है, क्या भावनाएं हैं? पहले तो आस्था जी आपकी, आपके पूरे टीम के लिए मंगल कामना। आपने सही कहा, श्री हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। कहा जाता राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसा रे। स्वामी प्रसाद मौर्य वाला पैसा नहीं कि वो भी वक्त वक्त पर लोग अपने आप को बदल देते हैं। जिस प्रकार से लंबी लड़ाई के बाद पूज्य महाराज जी बैठे हैं, राम जी के इतने नजदीक से देखा, इतने भाव से सेवा किया, इस उम्र तक आज तक करते चले आ रहे हैं। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद एक दो दिन नहीं हुआ, यहां तो व्यक्ति 3 दिन में अपने विचार बदल देते हैं, 5 दिन में अपना मताधिकार परिवर्तन कर देता है, 5 साल में सरकार बदल देती है, लेकिन 500 वर्ष हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया, उसका परिणाम स्वरूप एक राम जन्मभूमि मंदिर कोई मुझको फ्री में नहीं मिला। मैं देखता हूं तमाम राजनेता नेता विपक्षी बोलते, अरे इसमें कोर्ट का आदेश, इसमें फलाने का क्या योगदान। भारत की कनकन में व्याप्त पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की आस्था, विश्वास, समर्पण, त्याग जी, हर जन के मन में भाव, तो हर व्यक्ति का कुछ न कुछ इसमें योगदान है। और हनुमान जी तो राम रसिया हैं, और हनुमान जी महाराज सदैव भगवान राम के चरणों में बैठे रहते हैं, और हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि बिना हनुमान जी के अनुमति के राम जी तक पहुंचना संभव नहीं है। बिल्कुल राजूदास जी, और आपने एक संकल्प भी लिया था, वो संकल्प मैं आपको याद दिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र दास जी की भावनाओं का भी जानना बहुत जरूरी है। सत्येंद्र दास जी, 31 साल से आप रामलला की सेवा कर रहे हैं, आपने उन्हें टेंट में भी देखा, आप उन्हें अस्थायी मंदिर में भी देख रहे हैं, और अब स्थायी मंदिर भी बनकर के तैयार है, क्या भावनाएं हैं आपकी? देखिए, भगवान श्री राम रमन्ते जोगिनो जस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि इति राम परेनासु परब्रह्मा विधीयते। परब्रह्म परमात्मा ही मानव के रूप में इस अयोध्या में प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद जो उनके मर्यादा रही वो अपने मर्यादा के साथ चलते रहे। इसलिए गो स्वयं कहा कि गो द्विज धीन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा हैं, और यह भी है तीनों लोक के मालिक हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका। आज जो रामलला अस्थाई मंदिर में विराजमान है जी, पहले उस विवादित ढांचा में रहे, फिर उसके बाद त्रिपाल में 28 वर्ष तक उनकी पूजा हुई, और बड़ी समस्या रही उस समय, क्योंकि उस समय जो रिसीवर रहे वो रिसीवर कोई भी मांग किया जाए तो कहें कोर्ट से होगा, इसलिए कोर्ट बीच में। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बहुत सारी मुश्किलें थी, और हमें तो ये भी पता लगा कि जिस वक्त टेंट में थे रामलला, साल में बस एक ही बार भुगतान आप लोगों को मिलता था, जिसमें आपको पूजा की सामग्री, प्रसाद, पोशाक, ये सब कुछ मैनेज करना होता था, कितना मुश्किल दौर था वो। देखिए, उस समय हम अध्यापक रहे, हमें सरकार से पैसा मिलता रहा, इसलिए वहां किसी प्रकार की कोई पूजा अर्चना भोग राग में कोई कमी नहीं हुई। यद्यपि रिसीवर के माध्यम से सदा कटौती किया जाता था, जब भी कोई मांग करते थे कि भगवान के लिए ये चाहिए, और उनके बस में ये साल में एक ही बार बस बनाने के लिए पैसे मिलते थे, और वही पूरे वर्ष तक भगवान राम को मजबूरन हमको पहराना पड़ता था, और इस प्रकार की समस्या रही, और बहुत दयनीय समस्या रही। प्रकृति का प्रकोप, चाहे वर्षा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हर प्रकार का प्रभाव वहाँ पड़ता था, लेकिन विवश होकर के उसे सहना पड़ता था, कोई साधन नहीं, क्योंकि रिसीवर जिसके जो जिम्मेदारी रहे उनको भी सरकार की पैसा नहीं देना पड़ता था, जो भक्तगण दान पात्र में देते थे उसी पैसे को देना था उसके खर्च के लिए, वो पूरा दे सकते थे।